आर्थिक तंगी से छुटकारा तो जन्माष्टमी पर करें ये उपाय। जन्माष्टमी का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। जैसे जैसे जन्माष्टमी का त्योहार नजदीक आता जाता है, वैसे वैसे लोगों के मन में हर्षोल्लास बढ़ता जाता है। लोग घरों की साफ सफाई व मंदिरों में पूजा पाठ की तैयारियां शुरू कर देते हैं, और तो और उनके श्रृंगार के लिए नए नए वस्त्र और नए आभूषण लेकर आते हैं और नंद गोपाल को पहनाए जाते हैं। आपको तो पता ही होगा कि जन्माष्टमी के दिन विष्णु भगवान ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया था। जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण भगवान को प्रसन्न पर मनोकामना पूर्ण होती है। श्री कृष्ण भगवान को प्रसन्न करने के लिए नीचे कुछ उपाय बताए गए हैं, इसे जरूर पढ़ें। श्री कृष्ण भगवान को प्रसन्न करने के कुछ उपाय। अगर आपको जीवन में नौकरी पैसा तरक्की पाना हो तो जन्माष्टमी के दिन अपने घर में सात कन्याओं को बुलाकर उन्हें खीर खिलाएं। ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होगी व आप पर उनकी कृपा बनी रहेगी। जन्माष्टमी के दिन पीले कपड़े, पीले फल व अनाज दान करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होंगी। अगर आपकी आर्थिक दशा बुरी चल रही है, भगवान श्री कृष्ण को खीर व मक्खन बहुत पसंद है, उन्हें खीर और मक्खन और सफेद मिठाई का भोग लगाए। खीर में तुलसी की पाती जरूर डालें। ऐसा करने से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं व इससे आपकी आर्थिक दशा में सुधार आएगा। जन्माष्टमी के दिन दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करें। इस उपाय से माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है और व्यक्ति मालामाल हो जाता है। अगर आपके पास धन की आर्थिक तंगी चल रही है तो आप दूध में केसर मिलाकर अभिषेक करें। भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होंगे व आपकी आर्थिक तंगी दूर होगी।